5:30 बज रहे हैं और अभी काजा से निकल रहे हैं। कल हमने एक्चुअली सुमो बुक किया है। हमारा कुछ डेस्टिनेशन ऐसा है काजा से लेके चंद्रताल, वहाँ पे एक्सप्लोर होगा 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद चंद्रताल से डायरेक्ट मनाली, मतलब काजा टू मनाली सुमो, वही सुमो जिस सुमो में हमने धनकर पिन वैली कवर किया था, उसी सुमो में वापस जा रहे हैं मनाली। अभी बस निकल रहे हैं महाबुद्धा होम स्टे से। काफ़ी अच्छे थे भैया, मतलब अनएक्सपेक्टेड जो भैया ने हम लोग के साथ, और मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप आते हैं तो होम स्टे में ज़रूर रुके, भैया काफ़ी अच्छे हेल्प करेंगे आपको, आपके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट हो जाएंगे बस और कुछ नहीं। तो भाई साहब एक्चुअली मैं उनसे मिला नहीं पाया आपको, मुझे लगा वो सो रहे करके, तो मैं आपसे मिला ही देता हूँ। हमने पुरुष ने एक महापुरुष है, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो ये है सर जो काफ़ी हेल्प किया है हमने। सर भी अभी उठे हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग भाई, थोड़ा सा बाहर आइए प्लीज़। तो अभी थोड़ा से नींद में है सर। तो ये है सर अक्षय सर जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैं जब भी रिकमेंड करूँगा जब भी आएँ काजा में आएँ महाबुद्धा होम स्टे ज़रूर आए, और सर के साथ थोड़ा सा कॉपरेट करें तो आपको अच्छा लगेगा। आप एक बार ज़रूर आके देखिए, आई गारंटेड। और आएंगे और मेरा नाम लेंगे या फिर हम लोग ग्रुप की से कुछ ना कुछ तो आपको डिस्काउंट या फिर कॉम्प्लीमेंट आपको मिल ही जाएगा। क्या सर सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा है, मतलब बोल नहीं सकता, इतने अच्छा है सर। ठीक है सर, चलते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा उसके बारे में जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। एक्चुअली मेरी गाड़ी लेट हो रही है करके, 5 बजे की गाड़ी बोली थी, अभी 5:30 बज रहे करके। सर से मिलने का कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, चलो उड़ गए बढ़िया। बस अभी सामान जो हमारा है लगेज वगैरह है सुमो में भी लोड ही हो रही है। हो गया भाई लोड। अभी तो फिलहाल छोटा सा ब्रेक लिए हैं, 8 बज रहे हैं अभी, 2 घंटे लग गए ये अभी लोसर में पहुँचे फिलहाल। तो आई थिंक मनाली 142 किलोमीटर है जहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है। ये लोसर का छोटा सा गांव है, अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे अभी यहाँ पे फिलहाल, और सुबह से तो कुछ खा के नहीं निकले, जल्दी जल्दी निकले, चाय भी नहीं पिए, पानी भी नहीं पिए, बस ऐसे निकल गए। बस अभी लोसर में कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे फिर आगे के लिए जाएंगे चंद्रताल। रास्ता काफ़ी डेंजरस था, मतलब बहुत ही उबड़ खबड़ था, मतलब ये वाली रोड थोड़ी सी अलग है, मतलब बहुत ख़राब है रोड। पीओ से आप आएंगे शिमला होते हुए वो वाली रोड ठीक ठाक है, और ये रोड में आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती है क्योंकि बहुत उबड़ खबड़ है और माउंटेन तो है स्पेशली। अभी पूरी तरह से ये रोड बनी नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी ख़राब है ही। लोसर में सुबह का ब्रेकफास्ट एक आलू पराठा, दाल और ये दही 40 रुपये। भाई 40 रुपये बहुत ज़्यादा है ना, खाना भाई बहुत बकवास पराठा है, सच बता रहा हूँ, ये डालना बहुत बकवास है, लिख लिया। देखो आप चालू नहीं किया ना अभी लेकिन ऑफिसर और कुछ नहीं, ये बंदा ये हाथ छोड़ के बैठा है कि मैंने प्रार्थना कर प्रे करा था तू नहीं भाई, थर्ड भगवान अच्छा बना रहे चाय भाई की चाय आएगी अभी। आलू पराठा नहीं है, 70 रुपये लेगा दुकान उठाने से, 20 रुपये जो बड़ी देंगे पराठे का, क्या कमा रहा होगा यार, ये आलू पराठा है, आलू नहीं है उसमें। अरे पूछेगा पराठे का पूछेगा, आलू पराठा खाने बोला कितना चार्ज है, 2 साथ अरे मजबूरी है, जाएंगे कहाँ।
एक बंदा साढ़े नौ, एक बंदा साढ़े पाँच, एक बंदा साढ़े ग्यारह। वो पता क्या था उसके जो मुंह में आ रहा था ना, वो बोल रहा था कितने बोले थे साढ़े दस, आज ग्यारह, आज ग्यारह। बात की है परसों, बात की है तू साढ़े दस में ट्रैवलर दे रहा है, ग्यारह हजार। पर क्या करे, कुछ ऑप्शन भी तो नहीं रहता ना लोगों के पास कि यार अगर आ जाता है उसमें यार मर जाती है, ऑप्शन नहीं रहता ना, अब क्या करे, एक्स्ट्रा पैसा देना ही पड़ेगा। सुनो चल ठीक है, थोड़ा धीरे भी चलाएगा तो सुना है, वो तो सारा धीरे ही नहीं करता बस वाला। लिटली कह रहा हूँ, यहाँ पे 40 रुपीज में हमने शायद आलू पराठा ऑर्डर किए थे, एक पीस था, थोड़ी सी दाल थी और दही थी, आलू तो उसमें था ही नहीं, ना के बराबर 40 रुपए, काफी ज्यादा थी। एंड यहाँ पे पानी की बोतल, पानी की बोतल भी यहाँ पे 30 रुपए कॉस्ट है। एंड इफ यू वांट टू बाय सेंटर फ्रेश तो 5 रुपए की तीन आपको सेंटर फ्रेश मिलेगी, 5 रुपए की तीन तीन सेंटर फ्रेश मिलेगी। भाई पूछा मैं झूठ बोलूं तो, ये हम तीन लेके आए 5 रुपए की। चलो ठीक है, पानी हाँ 40 रुपए एक पराठा, आलू बिल्कुल नहीं था। तो इफ मतलब आप यहाँ से गुजरते हैं लोसर से तो यहाँ से बिल्कुल खाने की मत सोचिएगा, पराठे में कोई आलू नहीं है, आटा खिला रहे हैं आपको, ठीक है। पता नहीं एक्चुअल में ये रेस्टोरेंट में था कि बाकी रेस्टोरेंट में सेम है, हमें ये रेस्टोरेंट में खाए हमको अच्छा नहीं लगा, आप चाहे तो किसी और रेस्टोरेंट में भी ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, एक रेस्टोरेंट के ऊपर अपन बोल नहीं सकते, अलग अलग और भी काफ़ी सारे कैफे वगैरह है, अगर आपको रुकना है तो आप आगे जाके रुक लो या फिर आप काजल से ब्रेकफास्ट करके निकलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन करके आपको आई थिंक यहाँ पे तो नहीं मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ अभी आगे की ओर जाते हैं, आई थिंक लास्ट ब्रेक चंद्रताल में होगा, बाटल जहाँ पे टर्निंग पॉइंट आएगी, बाटल एक प्लेस है, वहाँ से राइट लेंगे जो चंद्रताल के लिए जाता है करीब, बाटल से 10-12 किलोमीटर समथिंग ऐसा कुछ है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं चंद्रताल। अभी तो फिलहाल 8:30 बज रही है, अब देखते हैं बाटल कब तक पहुंच पाते। भाई कहाँ गए ड्राइवर साहब? करीब बाटाल से मेन जगह से अभी चंद्रताल जगह तक पहुंचा हूं, पीछे कैंपिंग है और कैंपिंग जस्ट स्टार्टिंग नाउ, यहीं पे अगर आपको व्हीकल वगैरह है यहीं पे आपको छोड़नी है, देन फिर आपको जाना है आगे की ओर।
और चंद्रताल झील में आपका स्वागत करता है। कुछ सोचना है। 4290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यहाँ झील। एक पवित्र स्थल है। झील में तैरना व नहाना सख्त मना है। ए बाजी, झील में तैरना व सख्त मना है। सख्त कैसा लगा आप लोग ट्रैकिंग करके? ऐसा ना, कौन सा वीडियो देखूं? YouTube में देना है ना। बहुत मेहनत का काम किया आप लोग, मतलब ट्रैकिंग करके गए हैं। एक्चुअली ही इज अ यूट्यूबर। हां, उसी का मैं पूछ रही हूं। क्या है लिंक? कौन सी? मैं ब्लॉगर आकाश करके लिखता हूं। हां, ब्लॉगर आकाश। ब्लॉगर आकाश, ओके, आई विल फॉलो यू। चलिए, आपका रिव्यू मतलब एक्सपीरियंस बताइए कैसा लगा आपको? सब्सक्राइब, दो सब्सक्राइबर मिल गए, दो सब्सक्राइबर और मिल गए। यहां से ट्रैक करके गए। आप लोग की एज क्या होगी? 40 यहाँ तो हम लोग 20-25 में हालत खराब हो जाए, आप तो 45+। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। हम तो आए कोलकाता से। अच्छा, कलकत्ता से। आई एम आल्सो बंगाली। हाँ, कोलकाता। आई एम छत्तीसगढ़ থাকি। छत्तीसगढ़ রায়পুর আগে। আচ্ছা আচ্ছা, ওখানে ঘর আমার। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি কি ফার্স্ট ফ্লাইটের উপর কিছু? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিডিও দেখেছেন নাকি? হ্যাঁ, মনে হচ্ছে মুখটা দেখেছেন না? হ্যাঁ, ইন্ডিগো। ইন্ডিগো ইন্ডিগো ফার্স্ট। আর অরেঞ্জ কালারের শার্ট পরেছিলাম। হ্যাঁ রাইট, দেখেছি, ফলো করেছি। আবার ফলো করব, আবার ফলো করব। থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ। ওইটাই আমার চ্যানেল, আমার ছবি যেন থাকে। অবশ্যই অবশ্যই থাকবে, অবশ্যই থাকবে। আমি সাবস্ক্রাইব করে দেব। অবশ্যই থাকবে, অবশ্যই থাকবে। আপনি কিছু ব্লগার আকাশ? হ্যাঁ, ওই ফার্স্ট প্লেট করলি, ওইটাই আমার চ্যানেল। হ্যাঁ, ওইটাই পেয়ে যাবো। ওকে ওকে, থ্যাঙ্ক ইউ। দেখে অনেক অর্চ্য মানে কি মানে এরকম ট্রেকিং করে ইজ নট পসিবল। স্লো বাট স্টেডি। কিছুদিন পরে চলে আসবে ভিডিও। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। কুছ আন্টিয়া মিল গই থি, করিব 45-40 কে এজ মে থে, তো ট্র্যাক করকে আবি চন্দ্রতল লেক। अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब कोई ऐसे एजेंट ट्रैकिंग करते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जब इन लोग ट्रैकिंग कर सकते हो, हम 20-25 के टीनेजर्स को ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। तो ऐसा कुछ था, उन्होंने शायद मुझे मेरा पहला वीडियो देखा था, फर्स्ट फ्लाइट जर्नी में जो मैंने वीडियोस बनाए थे, तो वो वीडियो फॉलो किए हैं। तो बताएं, मेरा फर्स्ट फ्लाइट जर्नी का मेरा कोई वीडियो था क्या? मैंने कहा हाँ। एक्चुअली मैं बंगाली हूँ ऑलमोस्ट, तो बंगाली में कुछ बातचीत की अपन लोगों ने, तो अच्छा लगा उनको भी काफ़ी और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ से शायद 1-2 किलोमीटर और दूर है ट्रैकिंग करना है। एक्चुअली ट्रैकिंग पॉइंट जो था वो जहाँ पे कैंप लगी हुई थी पहले, शायद वहीं तक था, गाड़ी नहीं आ पाती थी, अभी और आगे तक कर दिए। यहाँ पर आपको बाइकल छोड़नी है, देन आप फिर उसके बाद आप ट्रैकिंग करेंगे। नज़ारा काफ़ी सुंदर है, आपको ऐसा लगेगा कि जस्ट लाइक आप किसी कश्मीरी वादियों में आ गए हो। हल्का ग्रीनरी है राइट और लेफ्ट साइड में, पूरे पहाड़ से क्या हुआ पर्वत, इट्स अमेजिंग। ज़्यादा 15 या 20 मिनट का ट्रैकिंग है, अगर आप धीरे धीरे भी आते हैं तो आराम से आप पहुंच जाएंगे, इतना हड़बड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं है। 20 मिनट का ट्रैकिंग आराम से कर सकते हैं, आराम से एकदम स्लोली चलेंगे ना तो भी आप पहुंच जाएंगे। ऐसा कुछ Thank you.
फाइनली मेन चंद्रताल लेक एकदम नीचे यहीं पहुंच गए। बस और क्या, अब बिना डर के आप आराम से ट्रैकिंग करके आ जाओ, आप बढ़िया पहुंच सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। और पानी इतनी साफ है, इतनी ब्लू है, क्या बोलूँ, मतलब तैरने का मन कर रहा है पानी में कूदने का, बट नहीं कर सकते कुछ। हाँ भाई, कौन सा चैनल है यूट्यूब? मेरा ब्लॉगर आकाश, ब्लॉगर आकाश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। इमरान पैर गीले हो जाएंगे, इसमें बता। पानी बहुत ही मस्त है, ऑसम, मजा आएगा। मैं तो तुम्हारे जूते भी गीले करती हूँ। पूरा पानी भी काफी ठंडा है और क्लीन भी है। अभी थोड़ा सा पानी कम है, नहीं तो पानी शायद और ऊपर रहती। व्यू काफी बढ़िया, काफी शानदार, अमेजिंग।